मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाला बच्चन का कहना है कि भाजपा के लोग ही अपने लोगों को मारकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। शिवपुरी पहुंचे बाला बच्चन ने कहा कि भाजपा के लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ऐसे ले लिया है जैसे उन्हें अपराध करने का लाइसेंस मिल गया हो। जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कहते उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भाजपा के घोटाले और घोटालेबाज उजागर होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में ट्रांसफर इसलिए ज्यादा हुए क्योंकि भाजपा के शासनकाल में अधिकारी बरसों से एक ही कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे थे और उन्हें बदलना जरूरी था। हम लोगों की कोशिश है कि घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी अगर हो रही है तो हम बहुत जल्द उन घटनाओं का पर्दाफाश भी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से भाजपा से और शिवराज सिंह जी से ये जानना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि वो और उनकी पार्टी के लोग खुद कानून को हाथ में लेने का काम क्यों कर रहे हैं। मंदसौर गोलीकांड, रतलाम की घटना, इंदौर की घटना, मेरे जिले बड़वानी की घटना, भाजपा के लोग भाजपा के लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं तो खुद को क्या, उनके पास क्या लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को हाथ में लेने का लाइसेंस क्या उनके पास, भाजपाइयों के पास? खुद तो ना करिए। हमने पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हमने ये वचन दिया है प्रदेश की जनता को, 7.5 करोड़ जनता को, कि हम ठीक ढंग से लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए उपलब्ध कराएंगे और उनकी हिफाजत, रक्षा और सुरक्षा हम कराएंगे। लेकिन उस तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो बहुत जल्द हम उनको पकड़ते भी, जेल के शिकंजों में पहुँचाते भी और कानून